उनकी माँ कहा गया, इससे मैं समझता हूँ इसकी हमें पता चलती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है उसमें फरमाया कहा कि यही उम्मुल किताब है सूरतुल फातिहा, यही उम्मुल कुरान है सूरतुल फातिहा, और यही कुरान अजीम है सूरतुल फातिहा। तो इस हदीस के अंदर तीन नाम आ रहे हैं, एक उम्मुल किताब और एक उम्मुल कुरान, किताब की माँ, किताब की जड़, और किताब भी याद रखिए कुरान का एक नाम है। दूसरा कहा जा रहा है हदीस के अंदर कि उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, मतलब कुरान हम समझते हैं इसकी अहमियत क्या, तो कुरान की असल कहा जा रहा है सूरह फातिहा को, मतलब कुरान की जड़ कहा जा रहा है, कुरान की असल कहा जा रहा है सूरतुल फातिहा को। और मैं समझता हूँ यही इसकी फजीलत, इसकी अहमियत जानने के लिए काफ़ी है कि इसको कुरान की असल कहा जा रहा है। इसी तरह चौथा इसका मशहूर और मारूफ नाम है वह है कुरान अजीम, कुरान अजीम याद रखिए, कुरान अजीम मतलब बड़ा कुरान। तो सूरतुल फातिहा जो कि एक सूरत है कुरान की और मुख्तसर सी सूरत है, सात आयतों पर मबनी है, उसे कुरान अजीम कहा जा रहा है। कुरान अजीम देखिए आप, कुरान अजीम मतलब बड़ा कुरान, ग्रेटर कुरान कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें एक नाम तो है सूरह फातिहा का और साथ में इसकी अहमियत भी पता चल रही, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात को कुरान में यूँ दोहरा कहा वलकद आतैना का सबम मिनल मसानी वल कुरान अजीम, ऐ नबी हमने आपको सात बार बार पढ़ी जाने वाली आयत अता फरमाई वल कुरान अजीम और बड़ा कुरान अता फरमाया। तो यहाँ इस आयत के अंदर सात बार बार पढ़ी जाने वाली आयत भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कुरान अजीम, ठीक है, कुरान खुद कुरान, कुरान अजीम मतलब सूरतुल फातिहा ये बड़ी अजमत वाली सूरत है, ये बड़ी अहमियत वाली सूरत है कि इसे उम्मुल किताब कहा गया, उम्मुल कुरान कहा गया, कुरान अजीम कहा गया, बड़ा कुरान कहा जा रहा है। इसी